नमस्कार मित्रों, नमस्कार मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 29 तारीख को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह और उस बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, यह सभी चुनाव समिति में के बैठक में भाग लिए थे। अभी मैं महाराष्ट्र के जो आगामी विधानसभा चुनाव में जिनका कैंडिडेट का नाम फाइनल हुआ है उनकी सूची आज जारी कर रहा हूं। कुल इस सूची में 125 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का नाम अभी आपके समक्ष यह रिलीज कर रहे हैं। मुख्य बातें हैं इसमें से, महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में 5 साल महाराष्ट्र में चौमुखी विकास हुआ है, चारों दिशाओं में विकास हुआ है, ऐसे श्री देवेंद्र फडणवीस जी नागपुर दक्षिण पश्चिम से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल कोथरुड विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। 17 विधानसभा से जो शिवेंद्र सिंह छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं वह चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के की ओर से। शिवेंद्र सिंह, श्री शिवेंद्र सिंह जी भोसले, यह छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। उसके साथ ही श्रीमती मुक्ता तिलक जो लोकमान्य गंगाधर तिलक के घराने की बहू हैं, वह कस्बा पेठ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगी। इसी प्रकार से श्री अतुल भोसले वह पंडर बिठल, हाँ पंडरपुर बिठल मंदिर देवस्थान के अध्यक्ष हैं, वह कराड़ दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में। श्री अतुल भोसले, मित्रों एक लोकसभा जो 17 लोकसभा है उसका भी बाई इलेक्शन हो रहा है, उस 17 लोकसभा से छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज श्री उदयन राजे भोसले जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। कुल जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और उसके साथ 4 सहयोगी आरएसपी, आरपीआई, शिव संग्राम, रैयत क्रांति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और इस गठबंधन की 3/4 मेजॉरिटी के साथ 3/4 बहुमत के साथ पुनः सरकार बनना तय है। 125 जो विधानसभाएं हैं जिनके प्रत्याशी तय हो गए हैं, अभी आपको तुरंत इसकी सूची जारी कर दी जा रही है। धन्यवाद। देखिए कुल मिलाकर के अभी जो 12 टिकट, इसमें 12 विधानसभा के प्रत्याशी बदले गए जिनका, और सीटिंग 52 के, अभी जो सूची हम जारी कर रहे हैं 52 सीटिंग है और 12 महिलाएं हैं अभी जो घोषणा कर रहे हैं, उसके अलावा और जो घोषणा होगी उसमें जोड़ लीजिएगा। हाँ बाकी आपको चूंकि नहीं, 52 सीटिंग को दिया है, 52 सीटिंग विधायक को पुनः टिकट दिया पार्टी ने,
और 12 जो एमएलए हैं विधायक हैं उनका, हाँ यही समझ सकते हैं। बाकी सूची आपको डिटेल तुरंत अभी मिल जा रही है, उस सूची को आप देख लें, शीघ्र आएगी हरियाणा की, शीघ्र।